दोस्तों इस लेसन के अंदर हम लोग इलस्ट्रेटर के हवाले से जो चीज़ डिस्कस करने लगी हैं उसका नाम है एक्शंस अच्छा एक्शंस क्या होते हैं दोस्तों एक्शंस इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप दोनों के अंदर हमारे पास अवेलेबल होते हैं और बेसिकली एक्शंस का काम ये होता है कि देखिए टाइम्स हम कोई भी अमल कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर और हमें उसमें काफ़ी टाइम लग रहा होता है यानी दो तीन स्टेप्स हम जो है वो करते हैं और डेफिनेटली हर स्टेप के अंदर हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है एक्शंस हमें क्या सहूलत देते हैं दोस्तों एक्शंस हमें ये सहूलत देते हैं कि हम उन दो तीन स्टेप्स को एट अट सेम टाइम एक सिंगल बटन को क्लिक करके एक्शंस के बटन को क्लिक करके बहुत जल्दी से थोड़े टाइम के अंदर वो काम कर सकते हैं तो बेसिकली हम इलस्ट्रेटर के अंदर सेट ऑफ एक्शंस बना लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी मल्टीपल टास्क जो हम करना चाहते हैं अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ या इलस्ट्रेशन के साथ या डिज़ाइन के साथ वो हम उनका एक सेट ऑफ एक्शंस बना के रख लेते हैं और फिर उसके बाद हम बड़े मज़े से जी आराम से बस एक सिंगल बटन जो है वो क्लिक करते हैं और वो जो भी काम होता है वो बहुत जल्दी से हमारे सामने खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाता है तो ये बेसिकली इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप का एक आप समझ लें के ऑटोमेशन वाला एक यानी ऑटोमेटिकली वर्किंग करने वाला एक छोटा सा हमारे पास ऑप्शन है तो चलें इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं एलस्ट्रेटर की तरफ चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं एक्शंस को अच्छा जी चलें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास एलस्ट्रेटर में एक्शंस मौजूद कहाँ पे होते हैं यानी कि ये ऑप्शन हम कहाँ से चूज कर सकते हैं दोस्तों यहाँ विंडो के पैनल में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये देखें ऊपर ही टूल्स के बिल्कुल नीचे आ, हमारे पास ये एक्शंस की ऑप्शन अवेलेबल है और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो ये एक नया डायलॉग बॉक्स हमारे सामने जो है वो ओपन हो जाता है अच्छा ये एक आप देख रहे हैं कि सेट बना हुआ है काफ़ी सारे एक्शंस हमारे पास मौजूद हैं और अगर इसको मैं बटन को क्लिक करूं तो ये जो है वो मेरे जो ऑप्शंस डिफ़ॉल्ट एक्शन के हैं वो मेरे सामने ओपन हो जाते हैं अच्छा जी ये देखें डिफरेंट एक्शंस हमारे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्शंस के तौर पे पहले से बने हुए पड़े हुए रेस्टेटर के अंदर जो कि हमने नहीं बनाए ऑलरेडी अवेलेबल हैं अच्छा सबसे पहले तो ये करते हैं कि इनमें से कोई एक दो एक्शन जो हैं उनको हम जरा देखते हैं स्टडी करके कि ये क्या करते हैं बेसिकली हमारे लिए तो मैं अभी ये एक स्क्वेयर ले रहा हूँ और इसके अंदर कलर फिल कर रहा हूँ कोई भी अपनी मर्जी से अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास एक, एक एक्शन पड़ा हुआ जी ओपेसिटी सिक्सटी के नाम से यानी कि ये जो भी हमारा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे अगर कोई ये फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है अगर इस पर मैं इस एक्शन को मैं प्ले कर दूँ तो इस बॉक्स की जो ओपेसिटी है वो सिक्सटी परसेंट पर चली जाएगी हंड्रेड परसेंट से ठीक है अभी आप इस वक्त देख सकते हैं कि इसकी ओपेसिटी जो है वो हंड्रेड परसेंट आ रही है आपके पास जब मैं ये एक्शन प्ले करूंगा तो ये ख़ुद ब खुद ही एक्शन के बाद सिर्फ एक सिंगल फ्लैक्स से ये अपेसिटी जो है वो सिक्सटी परसेंट पर चली जाएगी अच्छा ये करने से पहले मैं आपको ज़रा थोड़ा सा ये जो नीचे हमारे पास कुछ बटन अवेलेबल हैं इनके बारे में बताना चाह रहा हूँ इसके बाद फिर मैं वापस आके इसको एक्शन को प्ले करके आपको दिखाता हूँ अच्छा जी ये हमारे पास नीचे एक बटन पड़ा हुआ है डिलीट का ठीक है उसके बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू एक्शन और क्रिएट न्यू सेट की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है ठीक है यानी कि आप एक सेट बना के रख सकते हैं उसके अंदर आपके काफ़ी सारे एक्शंस पड़े होंगे जैसे ये इस वक्त मेरे पास एक सेट बना हुआ है डिफॉल्ट एक्शंस का और इस सेट को मैं ओपन करता हूँ तो ये काफी सारे एक्शंस इसके अंदर पड़े हुए हैं अच्छा इसके बाद ये एक बटन है जी बड़ा इंपॉर्टेंट बटन है यहाँ पे एक्शन मेन्यू में ये है प्ले का ये वो बटन है एक्चुअली जी जिसके लिए हम इस वक्त ये सारी चीज़ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि इस एक सिंगल क्लिक से हम जो भी अमल यहाँ पे हमने एक्शन के तौर पे बना के रखा हुआ है वो यहाँ पे हमारे आर्ट बोर्ड में हमारे ऑब्जेक्ट के साथ हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे ये एक रिकॉर्डिंग का बटन है ठीक है जी बिगिन रिकॉर्डिंग और स्टॉप रिकॉर्डिंग इनके ऊपर अब मैं बाद में आपको आके बताता हूँ कि हमने खुद से कोई एक्शन कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं उससे पहले अब मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ पे ये यह जो मैंने आपको बताया था कि ओपेसिटी 60 परसेंट वाला एक एक्शन पड़ा हुआ है तो अब आप लोगों को पता चल गया है कि ये वाला जो बटन है इसकी मदद से हम किसी भी एक्शन को प्ले करके देख सकते हैं लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि दोस्तों ये सिलेक्शन करनी लाजमी है यानी अगर आपने यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होगा और फिर ये प्ले का बटन प्रेस करेंगे तो ये एक्शन काम करेगा अदरवाइज ये काम नहीं करेगा तो मैं इसको आप प्ले करता हूँ तो ये देखें मैंने जैसे इसको प्ले किया यहां पे गौर करें इसकी जो ओपेसिटी है ये सिक्सटी परसेंट गई इसी तरह से और आप यहां पे देख सकते हैं बहुत सारे बाई डिफॉल्ट जो हैं वो बने हुए हैंक्शन्स इनमें कुछ जो बड़े फायदे वाले बड़े इंटरेस्टिंग से हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं ये अगर आप गौर करें ये देखें सेफ फॉर वेब जेफ सेफ फॉर वेब जे पैक सेफ फॉर वेब पी एन जी यानी अगर आप वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं या आपने जो डिज़ाइन बनाया है वो किसी वेबसाइट के लिए बना रहे हैं आप तो आप यहाँ से आके सिंपली अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट के लिए किसी ख़ास फॉर्मेट के अंदर फाइल को सेव करना चाहते हैं जैसे आमतौर पे हम जब कोई एक चीज़ बनाते हैं वेबसाइट के लिए तो वो हम सबसे ज़्यादा जो उसमें फॉर्मेट यूज़ करते हैं वो ये पीएनजी का होता है तो अगर हम वेब के लिए पी सेव करना चाहें तो हम एक वो जा के सेव एज में पूरा प्रोसेस करने की बजाय हम सिर्फ यहाँ से सिंपली इस बटन को प्ले करेंगे और ये जो हमारी फ़ाइल है ये सेव हो जाएगी पी के तौर पर चले अब हम बल्कि स्टार्ट करते हैं कि हम कोई एक एक्शन ख़ुद से जो है वो कोई बना के देखते हैं छोटा सा ठीक है मिसाल के तौर पे मैं इसी ऑब्जेक्ट को ये जो मैंने लिया हुआ है इसी के हवाले से मैं यहाँ पे कोई एक एक्शन एक 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 बनाता हूँ मैं आपकी सहूलत के लिए डिफ़ॉल्ट एक्शंस का जो सेट है इसको बंद कर रहा हूँ और यहां से मैं क्या करता हूं कि मैं एक नया सेट क्रिएट करता हूँ ये क्रिएट न्यू सेट पे मैंने क्लिक किया अब इस पर मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूं जी न्यू सेट और मैं करता हूँ ओके okay. तो ये देखें ये एक मेरे पास नया सेट बना हुआ आ गया डिफॉल्ट सेट्स के नीचे डिफॉल्ट uh, एक्शन के नीचे अब ये मेरा अपना बनाया हुआ सेट है अच्छा जी अब इसी तरह से यहाँ पे है जी क्रिएट न्यू एक्शन इस पर मैं क्लिक करता हूँ ये एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आया है यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्शन का नाम लिख सकता हूँ मैं अभी इस वक्त ट्रांसफॉर्म का एक बनाने लगा हूं छोटा सा तो उसका मैं नाम दे देता हूँ यहाँ यहां हमें यहां बता रहा है कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं किस सेट के अंदर सेव करना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली इसको अपने इस न्यू सेट में सेव करना चाह रहा हूँ अच्छा यहाँ पे एक दो और बड़ी इंटरेस्टिंग सी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं ये भी ज़रा सुनते चलें एक ये फंक्शन की यानी हम जो सेट बनाते हैं उस सेट को यहाँ एक्शंस ओपन करके यहाँ से आके प्ले करने के से भी ज़्यादा आसानी हमारे लिए यहाँ पे अवेलेबल है वो क्या है अगर हम इस डायलॉग बॉक्स को फिल करते हुए यहाँ पे फंक्शन की इसकी देना चाहें यानी फॉर एग्जांपल हम शॉर्ट की इसकी बनाना चाहें कि अगर हम शिफ्ट एफ प्रेस करें तो ये जो हम एक्शन बनाने वाले हैं ये हमारा एक्शन खुद ब खुद ही प्ले हो जाए तो ये यह हम यहाँ से कर सकते हैं अच्छा जी इसके बाद हम इसका कलर जो है वो दे सकते हैं कोई भी फॉर एग्जांपल मैं रेड कलर दे देता हूं और अब मैं रिकॉर्ड पे प्रेस करता हूं अब दोस्तों इसके बाद रिकॉर्ड प्रेस करने के बाद में जो कोई भी अमल इस स्वाब्जे के साथ करूंगा वो यहां पे मेरे एक्शन में रिकॉर्ड होता जाएगा और बाद में मैं उसको स्टॉप करने के बाद उसको प्ले करके देख सकता हूँ तो चले इस मैं राइट right क्लिक करता हूँ ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और मैं इधर से आता हूँ जो ट्रांसफॉर्म ईच में ट्रांसफॉर्म जो है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ट्रांसफॉर्म के अंदर ही एक ऑप्शन अवेलेबल है ट्रांसफॉर्म ईच की जिसमें हम किसी भी चीज़ को स्केल भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं ये ख़ास तौर पे हमारे लिए तब इस्तेमाल में आती है जब हम मल्टीपल चीज़ों के साथ काम कर रहे हैं और हमने उनको इंडिविजुअली जो है वो उनकी स्केल और मूवमेंट वगैरह जो है या एंगल वग़ैरह जो है वो करना हो यानी उनको इकट्ठा सेलेक्ट करके हम चाहें कि हम उनको ऐसे मूव करें कि वो अलग अलग मूव हों और एज अ ग्रुप भी मूव हों तो हम इस ट्रांसफॉर्म ईच वाली ऑप्शन में आते हैं बहरहाल अभी अब मैं इसकी फिलहाल जो है यहाँ से इसकी ये देखें वर्टिकल हाइट में इसकी बढ़ा रहा हूँ और इधर से मैं इसकी हॉरिजॉन्टल हाइट जो है ये भी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ इसके बाद मैं अब इसको मूव करता हूँ जी ठीक है ये आप वैल्यू दे के भी कर सकते हैं और आप यहाँ से एंटर भी कर सकते हैं और यहाँ से ये यह जो आपके पास एक बटन्स दिए हुए इनकी मदद से भी आप इनको मूव कर सकते हैं तो ये देखें मैंने थोड़ा सा स्केल किया थोड़ा सा मैंने इसको मूव किया अब मैं हल्का सा देता हूँ रोटेट ठीक है जी इसके बाद मैं क्या करता हूँ इसको मैं यहाँ पे कॉपी की ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और ये देखें मेरी ये कॉपी भी आ गई है अब ये देखें ट्रांसफॉर्म ईच को अगर मैं खोलूँ तो यहाँ पे जो जो अमल मैंने किया वो यहाँ पे कॉपी हो गया यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया अब मैंने जो करना था वो मैंने कर लिया अब मैं क्या करता हूँ मैं अपने एक्शन को कर देता हूँ स्टॉप अब जनाब अली ये मेरे पास एक ट्रांसफॉर्म के नाम से एक नया एक्शन बना हुआ आ गया है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं सिंपली यहाँ से कोई भी चीज़ ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिप्स ले लेता हूँ या बल्कि मैं यहाँ से एक जनाब पॉलीगॉन टूल में जाके ये एक शेप ले लेता हूँ एग्जॉकॉन की अच्छा जी अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पर सिंपली ये देखें मैंने प्रेस किया ट्रांसफॉर्म ईच का ये ट्रांसफॉर्म का ये जो एक्शन था और ये मेरे पास ये अमल सारा हो गया अच्छा अब यहाँ पे ये एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों आपने करना ये है कि ये जो एक टॉगल डायलॉग आपके सामने यहाँ पे ओपन है इसको आपने ऑफ कर देना है अगर इसको आप ऑन रखेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनके लिए वो आपसे ऑप्शन मांगेगा ये आपकी चॉइस है या आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं समटाइम्स आप कहते हैं कि ठीक है जी सारा कुछ ऑटोमेटिकली ना हो एक आधी ऑप्शन जो इंपॉर्टेंट है वो मेरे से खुद भी मांगे तो मैंने यहाँ पे ये टॉगल बटन ऑन किया हुआ था तो अभी उसने ट्रांसफॉर्म ईच का पैनल ओपन करके मेरे से कुछ ऑप्शंस ख़ुद सेट करने को कहा था अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एक्शन आपको सेट ना करना पड़े सारा कुछ ही खुद ही कर दे एक्शन तो इस टॉगल बटन को आप ऑफ करके जो है वो प्ले करें तो फिर ये खुद ब खुद ही ये देखें जो भी अमल आपने किया होगा वो अपने आप कर देगा तो ये दोस्तों बेसिकली एक्शन है हमारा और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं प्लेबैक के हवाले से ये प्लेबैक में आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको एक्सेलरेटेड यानी स्पीड के साथ आपका प्रोसेस हो या स्टेप बाय स्टेप हो या पॉजिस के साथ हो तो इसको भी आप ख़ुद से सेट कर सकते हैं तो आई थिंक इतना है एक्शन के हवाले से और अब आप ख़ुद से एक्शन बना के इनको देख सकते हैं और नए नए एक्शन जो है वो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं और इससे डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा सहूलत होगी आई होप आप लोगों को एक्शन जो हैं वो समझ आ गए होंगे इलस्ट्रेटर के अंदर एक्शन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं और आप लोगों ने देख लिया कि आपने इसको किस तरह से क्रिएट करना है अब आप लोगों ने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है जो भी डिफरेंट आप काम करना चाहते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए इलस्ट्रेटर के अंदर काम करते हुए एक्शन बना के रखें और ताकि वक्त पड़ने पर आपके वो काम आ सकें इन शाला तला नेक्स्ट लेसन में इलस्ट्रेटर के हवाले से किसी और टूल या किसी और फीचर को लेकर आपके लिए हाज़िर होगा